गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर के स्टडीज। जैसा कि कल हमने कुछ सेट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, और साथ में हमने कुछ एग्जांपल्स भी ली थी और उसकी कुछ फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स, रेस्टोर फॉर्म हमने पढ़ी और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी। आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए सेट्स के बारे में। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो सेट होता है ये हमेशा वेल डिफाइंड कलेक्शन से ही बना होता है। ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड नहीं है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि वेल डिफाइंड और जो नॉट वेल डिफाइंड है उसमें क्या फ़र्क है। तो जो वेल डिफाइंड नहीं है उसकी कलेक्शन से सेट नहीं बनता, तो सेट हमेशा वेल डिफाइंड कलेक्शन से ही बनता है। तो ये हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट पार्ट पे आते हैं उसके। तो यहाँ है कि मंथ्स की कलेक्शन, ईयर के मंथ्स की कलेक्शन जो कि जे से स्टार्ट्स होते हों, यानी कि वो मंथ ईयर के जो जे, जिनका फर्स्ट लेटर जो है वो जे है। तो हमें पता है जे से कौन से मंथ स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी, जून, जुलाई। अब ये जो मंथ्स है हमारे पास कौन से, जनवरी आ गया, जून आ गया और उसके बाद जुलाई। अब इनको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से और कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे, तो ये क्या बन गया, ये तो हमारे पास एक सेट बन गया कलेक्शन और वेल डिफाइंड भी है। जनवरी, जुलाई, जून, इसको किसी भी तरीके से लिखें क्योंकि ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता ना। तो इस सेट को हम लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करके, जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के वो आगे जनवरी, जून और जुलाई, क्योंकि फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है, सेकंड पार्ट है वो टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इसकी कलेक्शन करना, क्या ये सेट बनता है। अब राइटर्स ऑफ इंडिया, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि राइटर्स की टैलेंट को डिटरमाइन करने का क्राइटेरिया जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये सबका सेम नहीं होगा। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है और इसलिए सेट भी नहीं है। अब इसकी थर्ड पार्ट जो है वो है कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो ये भी तो वेल डिफाइंड नहीं है ना, क्योंकि ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो है ये एक वेल डिफाइंड सेट ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ना होने के कारण अब इसको हम सेट नहीं कह सकते ना। अब फोर्थ पार्ट में हमने ये पढ़ना है कि जो बॉयज इन योर क्लास, हमारी क्लास में बॉयज़, हमें तो पता है वेल डिफाइंड है, हम उनकी कलेक्शन कर सकते हैं और पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा ना, क्योंकि सभी को पता है कि क्लास में कितने बॉयज़ हैं, एक क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो उनकी कलेक्शन करके वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, तो उसको भी हम सेट बना सकते हैं। अब उसके बाद 100 से लेस जो नेचुरल नंबर की कलेक्शन है, तो 100 से लेस नेचुरल नंबर क्या, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 99, यस। और ये 100 से लेस नेचुरल नंबर आ गए, तो इसको कॉमास से हर नंबर को सेपरेट करके करली ब्रैकेट डाल के, अब उस ब्रैकेट के बाद हमने उस सेट का कुछ नाम दे देना है, और नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर से देते हैं। तो उससे जो हमारे पास एक सेट बनेगा वही सेट होगा नेचुरल नंबर्स का जो कि 100 से लेस हैं। अब उन नॉवल्स की जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं, राइटर मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं, इसकी कलेक्शन को क्या हम सेट कहेंगे। नॉवल रिटन बाय प्रेमचंद वेल डिफाइंड है ना, क्योंकि एक पर्सन ने जो जो नॉवल लिखे हैं, सभी जब उसकी उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो उसमें तो ये होगा ना कि उसने कौन कौन से लिखे हैं, और सभी सेम ही तो पढ़ेंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी तो नहीं करेगा ना, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। और इसका हम नॉवल्स को सेपरेट करेंगे कॉमा से और सेट बना देंगे, कलेक्शन को सेट हम कह सकते हैं, इसलिए ये जो हमारे पास आया ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे कि ये एक सेट है। अब ये सेट आ गया। अब जो हमारे पास लास्ट आ रहा है कि लास्ट क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स की हम कलेक्शन कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इवन इंटीजर्स की कलेक्शन किस तरह से करेंगे हम,
इवन इंटीजर्स की कलेक्शन करेंगे हम, जैसे देखो हम कर सकते हैं ना, सबसे पहले टू लिखेंगे, 4, 6, सो ऑन अप टू। अब ये सोन और ये डॉट डॉट का मीनिंग क्या है, कल हमने पढ़ा था, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस है, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये इवन इंटीजर्स हैं, इनकी हम कलेक्शन करके एक सेट बना सकते हैं, और उसको सेट को कुछ नाम देकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कलेक्शन थी जो वेल डिफाइंड थी, इसीलिए हमने इसका सेट बनाया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमने कुछ पार्ट्स, इसके सेवन पार्ट्स किए, तो इसके बारे में हमने ये देखा कि भाई सेट कौन सी ऐसी कलेक्शन है जिसको हम सेट कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट, कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्वेश्चंस की कलेक्शन, ये भी तो वेल डिफाइंड है ना। अब क्वेश्चंस चैप्टर में कितने हैं, सभी तो सेम ही देखेंगे कि चैप्टर में क्वेश्चन कौन कौन से, ये वेरी नहीं करेगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड ही होगा। तो इसलिए वेल डिफाइंड की हम कलेक्शन करके एक सेट बना सकते हैं, इसलिए हम इसको भी कहेंगे कि ये एक सेट है। अब उसके बाद कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, बिल्कुल नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसलिए ये कलेक्शन सेट नहीं बना सकती। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो वहां पे लिखा है कि ए, अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये सेट बनाया हुआ है ना, नेचुरल नंबर अप टू 6। अब हमने यहाँ पे सिंबल, कल हमने पढ़ा था कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ये हम कब कहते हैं कि कोई एलिमेंट कब किसी सेट में बिलोंग कर रहा है और कब नहीं कर रहा है, तो ये हम कैसे लिखते हैं। अब इन ब्लैंक्स में हमने इन सिंबल्स का यूज करना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ लिखा है कि 5, ये जो सेट हमने लिया ना ए सेट, इस सेट में क्या 5 है, 5 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। अब सेकंड पार्ट है कि 8 बिलोंग कर रहा है इसमें, नहीं कर रहा, 8 कहाँ बिलोंग कर रहा है, 8 तो इस सेट में है ही नहीं, इसलिए नहीं बिलोंग करेगा। 0 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, 0 तो नहीं बिलोंग कर रहा है ना, अब इस सेट में 0 नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब 4 बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है 4 बिलोंग, तो 4 के बिलोंग हम बिलोंग का सिंबल लिख देंगे। 2 बिलोंग करता है, जी बिल्कुल करता है, ये बिलोंग आ जाएगा। अब 10 इसमें तो नहीं ना बिलोंग करता, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करेंगे, राइट द फॉलोइंग इज रोस्टर फॉर्म। हमने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, और रोस्टर फॉर्म की हमने कल पढ़ चुके हैं हम, तो आज हम इसके जो क्वेश्चन है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि रोस्टर फॉर्म में हमने इस फर्स्ट पार्ट को लिखा ना कि वो सारे एक्स, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर है और वो -3 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, -3 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है और 7 से स्ट्रिक्टली लेस है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो एक्स कोई नेचुरल नंबर है, सबसे पहले हमें पता है कि 1 से ऊपर होगा बट लेस देन होगा किसे, 1 से ज़्यादा होगा, और 7 से हमेशा ये लेस होगा। अब सॉरी, इंटीजर है तो इंटीजर माइनस प्लस में हो सकते हैं ना, तो हम ये कहेंगे कि 3 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो 3 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर क्या, 3 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हम लिखेंगे ना, 3 के बाद क्या आता है, -2, -3 है ना, -3 के बाद -2 आएगा, तो -2 क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है एक्स, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब 7 क्यों नहीं, 7 इसलिए नहीं क्योंकि 7 से वो स्ट्रिक्टली लेस है एक्स की वैल्यू, इसलिए इस सेट में 7 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह से हम पार्ट फर्स्ट हमारा हो गया, इंटीजर लिखे हमने और उस इंटीजर्स की वैल्यू -3 और 7 के बीच में लाई कर रही थी। अब एक्स एक नेचुरल नंबर है, सेकंड पार्ट जो है ना बी सेट लिया हमने, एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 से लेस है, तो 6 से लेस वाले नेचुरल नंबर लिख दो ना, 6 से लेस वाले नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन कहा ना, लेस देन इक्वल टू नहीं कहा, इसलिए 5 तक ही आएगा, 6 से लेस नेचुरल नंबर ये है। अब इसके बाद सी पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। हाँ, तो ऐसे नेचुरल नंबर्स हमारे पास जिन दो टू डिजिट होने चाहिए और उसके जो 2 के 2 डिजिट्स हैं उन दोनों को अगर हम प्लस करें, उन दोनों का सम करें, तो
तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब ये सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट है इसलिए हम भी लिखेंगे यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1 0, इन सब को कॉमा से सेपरेट कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि इन सब डिजिट्स का जो सम है, इन सब डिजिट्स नंबर्स में जो डिजिट आ रहे हैं उन डिजिट्स का सम करके 8 ही तो आ रहा है। 8 प्लस 0 8, 7 प्लस 1 8, 6 प्लस 2 8, 3 5 8 4 4, तो इन सब का सम करके 8 आ रहा है, तो इसलिए ये कलेक्शन जो है एक सेट बनाएगी। तो आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। अब ऐसे डी हमारे पास एक सेट है जिसको हम लिखेंगे किस तरह से कि वो सारे एक्स, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब 60 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, और उसके में बाद में हमने कहा है कि एक्स क्या है, एक प्राइम है, प्राइम है और डिवाइजर्स। देखो ना, सबसे पहले 60 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 60 के डिवाइजर कौन से हैं? अब 160 को डिवाइड करता है 2, अब 3 भी करता है, 5 भी करता है जी, 6 भी करता है, 10 भी करता है, 12 उसके बाद आ गया, उसके बाद 15 हो सकता है, यस 15, 15, 12 के बाद हम लिखेंगे 15, 15 के बाद कौन करेगा, 20 भी करेगा ना, अब 30 और 60, ये डिवाइजर्स आगे 60 के। बट हमें तो पूछा है कि प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 60, 60 के डिवाइजर्स, लेकिन प्राइम कौन कौन से, अब हमें पता है कि प्राइम कौन से ना, हमें पता है प्राइम कौन से है, तो प्राइम वाले को हम लिखेंगे 2, 2 लिखेंगे, उसके बाद प्राइम कौन सा है, 3 5, उसके बाद प्राइम कोई भी नहीं है, यानी 2 3 और 5 को लिख के हम एक सेट बनाएंगे, और यही सेट तो हमारा है, यही सेट तो हमारा बनेगा, तो इसको हम सेट दे देंगे, नाम दे देंगे डी, कैपिटल डी से, तो ये हमारे पास सेट बन गया। अब इसके बाद ये एक सेट बन गया, और इस सेट के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में वर्ड कौन से, जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है इसमें जितने भी लेटर्स हैं उसका सेट बनाइए। तो हमें पता है, कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेट की, कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं ये रिपीट नहीं करने होते, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो टू टाइम्स आ रहे हैं, जो टू टाइम्स चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो उनको हम नहीं करेंगे। सबसे पहले टी भी 2 टाइम है हमारे पास, आर भी 2 टाइम है, और उसके बाद ओ भी 2 बार है, तो इसलिए हम इनको छोड़ के जो सेट बनाएंगे वो हमारा होगा, सबसे पहले टी आर आई जी ओ एन, यहाँ तक तो ठीक ही है, टी आर आई जी ओ एन, उसके बाद क्या बचा, ओ फिर से रिपीट, एम नहीं रिपीट हुआ इसलिए एम भी लिखेंगे, ई नहीं हुआ रिपीट ई भी लिखेंगे, उसके बाद टी फिर से आ गया नहीं लिखेंगे, आर फिर से आ गया नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ से इस इन सब को हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे ना, कॉमा से सेपरेट करने पर ही सेट बनेगा, तो कर्ली ब्रैकेट्स डाल के हमारे पास ये भी एक सेट बन गया। अब बेटर, बेटर में देखो कोई रिपीट तो नहीं है, यस रिपीट है, ई बी और टी बी, तो इन दोनों को छोड़ के जो हमारे पास सेट बनेगा वो होगा बी ई टी, यहाँ तक तो रिपीट नहीं है, अब टी भी रिपीटेड है, ई भी रिपीट हो गया, आर नहीं हुआ, तो बी ई टी आर, बट इन सब में कॉमा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा और सेट बन जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है ना, सॉरी रोस्टर फॉर्म है, उस रोस्टर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है उसकी, तो सबसे पहले 3 6 9 12, अरे ये तो सामने दिख रहा है कि 3 के मल्टीपल्स हैं और अप टू 12 तक ही है ना, तो इसलिए हम ये सेट किस तरह से बनाएंगे। देखो ये वो सारे एक्स जिन सब को, वो सारे एक्स नहीं लेंगे हम, 3x लिख देते ना जी, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स हैं तो 3x लिखेंगे, 3x सच दैट, अब एक्स जो है वो हम लेंगे मतलब नेचुरल नंबर ले लेते हैं, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन उस एक्स की एक और प्रॉपर्टी है ना, नेचुरल नंबर तो है लेकिन इन्होंने कहा है कि लास्ट कौन सा नंबर है हमारे पास, 3 6 9 और 12, एक्स को हम लेते ही किसके बीच में है,
हम क्या काम करेंगे कि x को 1 और 4 के बीच में लेंगे। अब देखो ना, सबसे पहले 3 हम क्या करेंगे, 3x, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और x जो है 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। और मैंने यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा और लेस देन इक्वल टू 4 लिखा, क्योंकि मुझे 1 और 4 भी इंक्लूड करना है उसमें। और सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 1, और वो क्या है हमारे पास, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अब दूसरी क्या आएगी, 3 इंटू 2, 6, और लास्ट में क्या आएगी, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। इन सबको करके हम सेट बना लेंगे। तो बन गया हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो बनी 3x, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और x जो है 1 और 4 के बीच में लाई करेगा। ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड कौन सा है, x इज अ इंटीजर, x एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू -1/2 और 9/2 के बीच में है। इंटीजर है और -1/2 और 9/2, -1/2 यानी कि -0.5, और ये किसके बीच में है, स्ट्रिक्टली लेस है ना, यस 9/2 मतलब 4.5। तो देखो 0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा कौन कौन से नंबर आएंगे। सबसे पहले हमारे पास जीरो माइन लेकर -0.5 है जी, तो -0.5 से बड़ा क्या होगा, जीरो भी होगा ना। -0.5 छोटा होता है जीरो से, बिल्कुल। तो जीरो आएगा, उसके बाद वन लिखेंगे हम, वन के बाद टू लिखेंगे, उसके बाद थ्री लिखेंगे, उसके बाद फोर लिखेंगे, फाइव लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। फाइव क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक तो हमें इंटीजर्स के लिए कहा है उन्होंने, रेशनल नंबर्स के लिए नहीं कहा, इसलिए हम 4.5 नहीं, 4.5 वैसे भी नहीं लिख सकते थे हम, क्योंकि ये यहाँ स्ट्रिक्टली लेस है। और 4 तक ही यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आएंगी, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स, सॉरी ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, सॉरी सॉरी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इसका ये था, हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी ना, हमने तो रोस्टर फॉर्म बना दी। तो ये सेकंड पार्ट करना है हमें, तो सेकंड पार्ट में 2, 4, 8, 16 और 32 कुछ नहीं, सिंपली हमने लिखना है 2 की पावर, हम क्या लिखेंगे, एक्स ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है, और एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में है। एक्स जो है सबसे पहले 2 आया ना, एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए, उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होगी तो 4 बनेगा, एक्स की पावर, एक्स की वैल्यू 3 होगी तो 2, 2 से 4, 2 से 8, 8 हो जाएगा, 4 होगा तो 16, 5 होगा तो 32, और यानी कि लास्ट वैल्यू हमारे पास 5 ही आई, तो इसलिए ये बन गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, 2x सच दैट x लाइज बिटवीन 1 एंड 5, क्योंकि 5 भी इंक्लूड होगा, 2 की पावर 5 करें 32 आएगा ये। अब थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है 5, 25, 125, 5, 25, 124, 3, 6, 25। तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है, ये रोस्टर फॉर्म है और इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 5 की पावर x सच दैट, अब x 5 की पावर x मतलब 5 की अलग अलग पावर्स लेंगे, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 5 बने, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए कि 5 बने, 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 ही होगा ना, तो x की सबसे पहले 1 होगी, 2 होगी तो 25 बनेगा, 3 होगी 125, और 4 होगी तो 25 इंटू 25 यानी कि 625, तो इसका मतलब लास्ट वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, x जो है वो 5 से लेस और 0 से ग्रेटर है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि x स्ट्रिक्टली ग्रेटर है मतलब 1 होगा, स्ट्रिक्टली लेस है तो मतलब 4 होगा, तो ये भी लिख सकते हैं। अब जो फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ पार्ट हमारे पास वो है 2, 4, 6। अब क्या है, इवन नंबर, तो इवन नंबर को हम कैसे लिखेंगे, 2x सच दैट, अब यहाँ पे x क्या होगा, x लाइज बिटवीन, 2x तो है, अब जो यहाँ पे x लाई करेगा ना, वो करेगा सबसे पहले 1 तो होगा ही होगा, ये 2, 1 से 2 तो फर्स्ट नंबर आएगा, 4, 6 और ये सो ऑन, मतलब ये चल रहा है, ये लास्ट है, तो हम x को लिखेंगे क्या, 1 से ग्रेटर, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, बस ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर होगा तो अब लिखते जो, तो वो सो ऑन हो जाएगा ना, 2, 1, 2, 2 से 4, 2 से 6, 2, 4, 8, ऐसे करते करते हमारे पास ये एक सेट बन जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ठीक है। अब नेक्स्ट
फिफ्थ पार जो है वो है 14900। तो इसमें सीधा सीधा सेट बन रहा है जी, ये बन रहा है हमारे पास क्या, x की पावर हम लिखेंगे 2 लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट लेस देन, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 10 लिख दो, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको फिर से लिखते हैं, देखिए 14, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको एक्स की पावर टू सच दैट, जो एक्स है नेचुरल नंबर तो है और लाई कर रहा है किसके बीच में, लाई कर रहा है इसकी वैल्यू 1 भी है, ठीक है, और उसकी वैल्यू 10 भी है, और 10 से लेस देन इक्वल टू भी है। तो अब ये सेट क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू जब 1 होगी तो बनेगा 1, एक्स की वैल्यू 2, 2 टू 4 बनेगी, एक्स की वैल्यू 3 जब लिखेंगे तो 9 बनेगी, लास्ट वैल्यू 10 लिखेंगे तो 100 ही तो बनेगी, इसलिए ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, अब सेट्स के एलिमेंट्स को लिस्ट करना ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म ही तो होती है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है इसकी रोस्टर फॉर्म। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर में कौन से सेट होंगे, ऑड नेचुरल नंबर ना, तो 1, 3, 5 सो ऑन, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर हो गए। उसके बाद सेकंड, सेकंड है हमारे पास एक्स इज अ नेचुरल, सॉरी एक्स इज एन इंटीजर, ये तो हमने कर दिया था ना, -1, -0.5 और 4.5 के बीच में, तो वो कौन से आए थे नंबर हमारे पास, वो आए थे 0, 1, 2, 3, 4, तो ये एक हमारे पास सेकंड पार्ट का सेट बन गया। अब थर्ड में क्या है कि एक्स इज इंटीजर और एक्स स्क्वेयर जो है वो 4 से लेस देन इक्वल टू, एक्स स्क्वेयर वो क्या एक्स होगा कि उसकी वैल्यू या तो 4 आए या 4 से लेस आए, बट यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 4 आए या 4 से लेस आए, तो वो -2 भी हो सकता है क्योंकि 4 आएगी वैल्यू, इक्वल टू भी कहा ना, -1 भी हो सकता है क्योंकि 4 से लेस आएगी, ये भी तो कहा है, -1 की वैल्यू 1 आएगी, तो वो भी कहा। अच्छा उसके बाद क्या 0 आएगी, 0 का स्क्वेयर 4 से लेस देन इक्वल टू, तो बिल्कुल होता है जी, 0 क्यों नहीं होता, 0 का स्क्वेयर करेंगे 0 तो आएगा और 4 से लेस है। अच्छा फिर 1 आएगा, 2 आएगा, क्या 3 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि वो 9 हो जाएगा, हमें लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए, तो ये सेट हमारे पास बन गया। अब इसके बाद हम करेंगे डी पार्ट की बात, और डी में क्या है कि एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, अब इस लॉयल में जो है रिपीटेड है उसको हम काट देंगे, बाकी सेट बन गया, तो ये कैसे बनेगा, एल ओ वाई ए, एल नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा ना, तो फिर क्या फ़ायदा, वो तो हम लिखते नहीं है, वो सेट नहीं, मेरे सेट की प्रॉपर्टी है, इसी में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते। तो उसके बाद ई पार्ट, मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, अब 31 डेज जिन मंथ्स के नहीं हैं तो वो हम लिख सकते हैं ना, अब कौन से है, जनवरी 31 का है, फेबरवरी नहीं है, तो नॉट हैविंग 31 डेज, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, सॉरी सॉरी ये सबसे पहले हम लिखेंगे फेब, लिखेंगे फेबरवरी, उसके बाद मई लिखेंगे, सॉरी अप्रैल, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तो ये हम हमारे पास जो है इनका करके एक सेट आ जाएगा, इन सब ये एलिमेंट्स बन गए ना, कि मंथ से मंथ्स को एलिमेंट बना के सेट हमारे पास ईयर बना, और उसको कुछ नाम दे दो, नाम क्या देना इसको, ई तो पहले से दिया हुआ ना कैपिटल में, तो ये सेट बन गया जिसके 31 डेज नहीं होते। अब एफ हमारे पास सेट एक ऐसा है, कंसोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कंसोनेंट्स और विच प्रसीड्स के से पहले आने वाले कौन कौन से कंसोनेंट्स हैं, वोवल को छोड़ दो, आ गया बी सी डी, बी सी डी आ गया, सॉरी बी सी, और उसके बाद हमारे पास आएगा डी, ई नहीं आएगा, एफ जी एच, आई नहीं आएगा, जे, और के से प्रसीड कहा ना, के से पहले, तो के लेना ही नहीं है, तो ये बन गया सेट। तो नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग लेफ्ट रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी, ये ना कुछ लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म दी गई है,
और सेट बिल्डर फॉर्म जो राइट में दी गई है ना उसके साथ इसका मैच करना है। तो सबसे पहले 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 है क्या, ये नेचुरल नंबर है ना, लेस देन सिक्स, सॉरी लेस देन सिक्स नहीं है, नेचुरल नंबर है जो कि सिक्स के डिवाइजर्स हैं। तो ठीक है, इसका फर्स्ट का हम लिखेंगे कौन सा पार्ट आएगा, फर्स्ट का आएगा सी पार्ट, यानी कि एक्स इज एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सिक्स। नेचुरल नंबर जरूर है, 1 2 3 6 नेचुरली तो है और सिक्स का डिवाइजर भी है, तो ठीक है इसका ये आ गया फर्स्ट का सी। सेकेंड का, सेकंड है हमारे पास 2 3 रोस्टो फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास है यस प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सिक्स। बिल्कुल 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम नंबर है और 6 के डिवाइजर भी हैं, इसलिए सेकंड का ए पार्ट आएगा। अब थर्ड में लिखा है MATH, ये तो सीधा मैथमेटिक्स का है, थर्ड का डी पार्ट आएगा। फोर्थ का 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 ऑड नंबर, तो लास्ट के बचा हमारे पास एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, लेस देन 10, तो लेस देन 10 है, इसका मतलब ये आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।